रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ने देश में कारोबारी तेजी लाने के लिए रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इस कटौती के बाद देश में कर्ज देने के लिए बेस रेट 6% पहुंच गया है। इसी के साथ अब लोगों के लिए सस्ते कर्ज का रास्ता भी खुल गया है। RBI के रेट कट के ऐलान का असर EMI पर भी पड़ेगा और आपकी होम लोन EMI में कमी आएगी। रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव करते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है और रेपो रेट 6.25% की बजाय 6% हो गया है, जो पिछले 6.5 साल का न्यूनतम स्तर है। वहीं रिजर्व रेपो रेट 5.75% हो गया है। उम्मीद के मुताबिक आज RBI की क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती के साथ लोगों के लिए सस्ते कर्ज का भी ऐलान किया गया। रिजर्व बैंक के रेपो रेट घटाने के बाद अब बैंकों को भी कर्ज का ब्याज दर सस्ता करना होगा। हालांकि यह बैंकों पर निर्भर करता है कि वो इसका कब तक और कितना लाभ आपको देंगे। RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने माना है कि GST को पूरे देश में बड़ी सहजता से लागू कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अच्छे मानसून और GST के सहजता से लागू हो जाने की वजह से कमेटी को नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का फैसला लेने में आसानी हुई। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के 6 में से 5 सदस्य रेट कम करने के पक्ष में थे। कमेटी के सदस्य प्रोफेसर रविंद्र ढोलकिया ने तो 0.5% की कटौती की सिफारिश की थी। इस लिहाज से तो उम्मीद की जा सकती है कि 2 महीने बाद होने वाली अगली मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में भी 0.25% की कटौती का फैसला लिया जाएगा। DB Life की रिपोर्ट।